हेलो दोस्तों, थालापति विजय सर की फिल्म लियो उनके करियर की अब तक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है, जहां पर ये फिल्म आज अपने 16वें दिन भी बॉक्स ऑफिस से काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम थालापति विजय की फिल्म लियो के अब तक के टोटल 16 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। थालापति विजय की फिल्म लियो को रिलीज हुए आज टोटल 16 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन फिल्म ने 16 दिनों में 550 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और आने वाले कुछ ही टाइम में यह फिल्म रजनीकांत सर की फिल्म जेलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी बीट कर देगी, क्योंकि उस फिल्म ने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अराउंड 600 करोड़ रुपए के आसपास किया था। तो यह फिल्म कुछ ही दिनों में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर देगी, लेकिन देखना होगा क्या यह फिल्म रजनीकांत की 2.0 के कलेक्शन को बीट करेगी या नहीं। वैसे इस फिल्म के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फिल्म के कलेक्शन अब इतने ज्यादा निकल कर नहीं आ रहे। फिल्म की रिलीज से पहले टीजर और ट्रेलर आने के बाद तो इस फिल्म की जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी, जहां पर इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में इस साल की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग ले ली थी, जिसे देखकर लग रहा था कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एसआरके की फिल्म पठान और जवान की तरह ही 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा करने वाली है। लेकिन दोस्तों, फिल्म का हिंदी पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा और फिल्म को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिले, यानी कि किसी को यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई तो किसी को यह फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से भी फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन थालापति विजय सर के स्टारडम और एलसीओ की फैन फॉलोइंग की वजह से यह फिल्म इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर गई। लेकिन कोई बात नहीं कि यह फिल्म 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, क्योंकि फिल्म को हिंदी में उस तरह की रिलीज नहीं मिल पाई जैसा कि पैन इंडिया फिल्मों को मिलती है। अगर इस फिल्म को 3 मल्टीप्लेक्सेस चेन यानी कि PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में रिलीज कर दिया जाता तो फिर तो यह फिल्म हिंदी में बॉक्स ऑफिस से काफी अच्छा कलेक्शन कर सकती थी। अगर फिल्म केवल अकेले हिंदी वर्जन से ही 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच का अगर कलेक्शन कर लेती तो यह फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती थी। लेकिन इस फिल्म को हिंदी में भी कई सारी फिल्मों से मुकाबला यहां पर देखने को मिला था। वैसे भी फिल्म को हिंदी में ज्यादा कुछ स्क्रीन नहीं मिली, लेकिन फिर भी कम स्क्रीन पर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस कर लिया है, जहां पर इस फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक अराउंड 25 यानी कि 25 करोड़ रुपए के आसपास ही हुआ है, जो अभी चल रही बॉलीवुड फिल्मों के हिसाब से तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहां पर काफी अच्छा है। क्योंकि थालापति विजय सर के फैन साउथ ही नहीं बल्कि हिंदी ऑडियंस में भी काफी ज्यादा है और उनकी फिल्मों को हिंदी में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन लियो उतना ज्यादा यहां पर हिंदी में कमाल नहीं कर पाई, बिकॉज़ क्योंकि इस फिल्म की हिंदी में उतनी अच्छी स्क्रीन नहीं मिली और जिसकी वजह से फिल्म का हिंदी कलेक्शन इतना कम निकलकर यहां पर आ रहा है। तो दोस्तों, लियो को 300 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था, लेकिन यह फिल्म ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 320 करोड़ रुपए तक का कर चुकी है। तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हो चुकी है और फिल्म ओवरसीज मार्केट में तो पूरी तरह से आग लगा रही है, जहां पर फिल्म का ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 180 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। वैसे भी इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड मार्केट में 6500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। अगर फिल्म को 10000 के आसपास स्क्रीन मिल जाती और यह फिल्म सोलो रिलीज होती, यानी कि इस फिल्म का किसी भी फिल्म से कंपटीशन नहीं होता, तो यह फिल्म शायद 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकती थी। लेकिन यहां पर थालापति विजय सर की फिल्म लियो ने अभी तक जितना भी कमाया वो लोकेश कनगराज सिनेमेटिक यूनिवर्स की पिछली फिल्मों जैसे कि केती और विक्रम से काफी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहां पर लियो ने कर लिया है। तो यह फिल्म लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स की पहली हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है जिसने इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। लेकिन अगर बात करें इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते अपने पहले दिन 64 करोड़ 80 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया और फिल्म का 4 दिनों का वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 177 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास रहा और इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 264 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया और फिल्म का दूसरे हफ्ते का नेट कलेक्शन 53 करोड़ 16 लाख रुपए रहा। ये फिल्म आज अपने 16वें दिन पर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। तो इसी के साथ लियो का टोटल 16 दिनों का ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 320 करोड़ 36 लाख रुपए हो चुका है। वही फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 378 करोड़ रुपए, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से अभी तक 188 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो
इसी के साथ विजय की फिल्म लियो का अब तक का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 566 करोड़ रुपए हो चुका है। तो तालापति विजय की फिल्म लियो ने अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 566 करोड़ रुपए का कर लिया है। वैसे आपको क्या लगता है इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाने वाला है, और आपने तालापति विजय की फिल्म लियो देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप?